दिल्ली के भारत मंडपम में 17 फरवरी से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन रविवार को गृहमंत्री अमित शाह कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर बोल रहे थे। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई और ऐलान कर दिया कि 2024 में मोदी 3.0 आने वाले हैं। इस बीच शाह ने विपक्ष पार्टी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने इंडी अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी दल का ये गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टी का गठबंधन है, उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। शाह ने कहा, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा चुनाव, 22 सरकारें और 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश में हर सरकार ने अपने समय पर समय अनुकूल विकास करने का प्रयास किया है, लेकिन आज मैं बिना किसी कंफ्यूजन के कह सकता हूं कि समग्र विकास, हर क्षेत्र का विकास, हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में हुआ है। इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी, मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में, हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है, मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीब जो आजादी के 75 साल तक, 70 साल तक अपने आप को विकास की प्रक्रिया के बाहर मानते थे, उसको मालूम ही नहीं था कि देश आजाद हुआ, लोकतंत्र आया, मुझे क्या मिला, मेरा क्या हिस्सा। भाइयों और बहनों, 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया।